हाय एवरीवन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई में तेल ले लेंगी, उसमें सरसों और सूखा लाल मिर्च डालकर अब इसमें मुझे दो प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। चलाने के बाद मुझे इस प्याज को ब्राउन करना है। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी पत्ता गोभी, डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। पत्ता गोभी के साथ मैंने एक आलू और एक गाजर भी मिक्स किया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे, जिससे सारा मसाला इस पर मिल जाए। अब इसको से ढक देंगे। अच्छे से चला के इसे ढक लेंगे। अब इसमें मैं दो टमाटर डालूंगी। कटे हुए टमाटर डाल के इसे ढक लें, जिससे टमाटर भी साथ में गल जाएगा। 10 मिनट के बाद इसे चला लेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर बिल्कुल गल गया है, सब्ज़ी भी आधा से ज़्यादा गल चुका है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए पत्ता गोभी का सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल्स को